गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और इससे इंडिया बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा मतलब मौत का आंकड़ा और जो एक्टिव केसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं और जो कुल मिलाकर जो पहली लहर से अब तक का जो मामला है वो लगभग 2 करोड़ से ऊपर जा चुका है। तो कोरोना जो है पूरी तरीके से भयंकर रूप ले चुका है और भारत का हाल वो देखने लायक नहीं रहा है। बहुत ही तकलीफ़ और मुसीबत का समय जो है, आपत्ति का समय है भारत पर। और मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा बुरा वक्त भारत का कभी नहीं आया था। तो बस ये वीडियो आज मैं इसीलिए बनाना चाहता हूँ, काफ़ी दिनों बाद मुझे मौका मिला है आज वीडियो बनाने का। सो मैंने सोचा कि इस बारे में कुछ बात की जाए। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए वक्त कभी भी बदल जाता है, कभी भी पलट जाता है। कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत, कोई भी बीमारी कभी भी आ सकती है, किसी को बताकर नहीं आती है। और जैसा कि हम जानते थे कि ठीक एक साल पहले कोरोना वन को हमने फेस किया था। कोरोना की पहली लहर थी जब, तब इतना ज़्यादा डर नहीं लगा, इतना ज़्यादा मतलब इतना फियर नहीं था। और जो एंजाइटी डिप्रेशन के मरीज़ हैं शायद उन्हें भी इतनी दिक्कत नहीं हुई होगी। लेकिन जो दूसरी लहर है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक कैसे हो गई ये समझ से परे है। और यकीनन इसमें हमारे सिस्टम की और मतलब हम जितने भी लोग हैं हम सब की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं हमने कोताही बरती है, कमी रही है, हमारे जो मैकेनिज्म है हमारे सिस्टम का मैकेनिज्म है और जो हमने मतलब प्रिकॉशंस जो है उस पर ध्यान नहीं दिया। और कोरोना वन के टाइम जो है हमने ये सोचा कि शायद अब दूसरी बार हमारा इससे मुकाबला होगा ही नहीं, लेकिन आज फिर इससे मुकाबला हो रहा है। और दुनिया भर के लोग जहां प्रभावित भी हैं और भारत की मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं। तो मैं सबके लिए मैं बस यही कहना चाहता हूं कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल वन, मतलब जो भी जितने भी लोग हैं जिन्होंने भारत को सहायता दी है, भारत के लिए काम किया है, भारत को मदद पहुंचाई है, भारत के लिए जो है सहानुभूति दिखाई है। मैं समझता हूं ऐसे लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। सऊदी अरब ने काफ़ी ऑक्सीजन भेजी है, कुवैत ने भेजी है, अमेरिका ने भी काफ़ी टाइम के बाद जो है मतलब अभी तक शायद पहुंची नहीं लेकिन आ जाएगी मदद उनकी भी। और मैं समझता हूँ कि अब इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो जो है ज़िंदगी की अहमियत को समझे, ज़िंदगी की वैल्यू को समझे, ज़िंदगी को एवलेट करे कि मतलब ज़िंदगी किस कदर जो है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। सॉरी कुछ अल्फाज मेरे गलत हो जा रहे होंगे। एक्चुअली करीब 6-7 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ। ये मतलब एक फ़ोन, नया फ़ोन लिया था, सोचा मैंने कि एक व्लॉग टाइप का एक वीडियो बना दूँ। तो बात कर रहा था मैं कि इंसानियत को जो हम भूले बैठे थे शायद अब उसे याद करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अपना मुहासिबा करें और ये पता लगाएं कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है। हम इंसानों से हेट कर रहे हैं, हम इंसानों से दूर जा रहे थे और कोरोना ने इस चीज़ को मतलब प्रमाणिक कर दिया कि जो आप पहले कर रहे थे, चूँकि अब कोरोना है तो कोरोना के टाइम आप जो है उस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आप इससे पहले जब कोरोना नहीं था तब भी हम लोगों से बहुत दूर थे। कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे दिल में उनके लिए अना थी, नफ़रत थी और कहीं ना कहीं जो है हम दूसरे से बहुत जुदा थे। हम किसी ना किसी तरीके से बड़े बड़े घमंडों में जो है मुब्तिला थे, घमंडों में जो है फंसे हुए थे। और कुदरत ने हमें ऐसा नीचे लाके खदेड़ा, कुदरत ने हमें ऐसा खदेड़ा है कि हमारी अकल ठिकाने आ गई है, कि अब हमको समझ में आ गया कि
इंसान किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए, कितना भी जो है वो प्रोग्रेस कर ले, विकास कर ले, लेकिन इंसान इंसान ही रहेगा और इंसान को इंसानी रहना भी चाहिए। इंसान को यही सोचना चाहिए कि वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ अल्लाह है। जो कुछ भी अल्लाह ने बनाया है वो हमारी बेहतरी के लिए है, हम उस बेहतरी को समझें और एक दूसरे से प्रेम सद्भाव प्यार से रहें। और नफ़रत और मोहब्बत के बीच में अगर हमें चुनना हो किसी एक चीज़ को तो मैं समझता हूँ कि हमें जो है मोहब्बत को चुनना चाहिए, और मोहब्बत को चुनने का ही अब सही समय है, क्योंकि मोहब्बत बाकी रह जाती है, नफ़रत जो है वो उसका अंत हो जाता है। नफ़रत आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगी, और नफ़रत ज़्यादा दिनों तक टिकती भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको एक साथ रहना है और एक दूसरे की मदद करना है, जैसे भी हो सके। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखिए और दुआओं में जो है इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से, पूरी दुनिया के लोगों से मैं कहता हूँ कि इंडिया के लिए बिलखसूस दुआएं करें और इंडिया जो है फिर से हेल्दी हेल्दी वेल्दी हो जाए, फिर से ठीक ठाक हो जाए, सारा माहौल सब सही हो जाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सब कुछ सही कर दे। और प्लीज़ घर में रहिए, सावधान रहिए, सारे प्रिकॉशंस और जो भी मतलब इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करिए, और हो सके तो गरीब लोग जो हैं, जो परेशान हैं, उनकी मदद के लिए पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से, पूरी मोहब्बत से, पूरी अकीदत से जुट जाइए कि इस समय से अच्छा समय आपको अब मैं समझता हूँ कि दूसरा चांस तो नहीं मिलेगा। मतलब जब तक आप ज़िंदा हैं जब तक तो आपको चांस मिल रहा है, लेकिन जब आप ज़िंदा ही नहीं होंगे तो फिर आपको चांस कैसे मिलेगा। तो बस वो कहने का मतलब यही है कि जब तक आप ज़िंदा हैं तो आप उस चांस का फ़ायदा उठाएं और लोगों की मदद के लिए आगे आएं, और लोगों को जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, उनकी जो भी नीड है, उसका ख्याल रखें और उनके लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करने की पूरी कोशिश करें। कोरोना के टाइम प्रिकॉशंस पर ध्यान दें और अपने आप को सेफ रखें और घर पे रहें, और जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उस पर अमल करना ज़रूरी है। तो एक दूसरे की मोहब्बत और एक दूसरे से प्यार और सद्भाव बनाए रखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे